हेलो माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। तो कल मैंने सेलिब्रेट किया था बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे, तो ये सब उनका फ़ोटो है। तो रियली बहुत ही मज़ा आया था स्कूल पर। बच्चों ने बहुत ही अच्छा डांस और मॉडलिंग और मतलब कि बहुत कुछ किया उन लोगों ने। तो ये सारे डांस, ये इसका नाम अर्पिता है, ये लाइक मतलब कि LKG के UKG के स्टूडेंट हैं। तो इन लोग इतने टैलेंटेड होते हैं ना, इन लोग खुद से ही सब सीख जाते हैं। आजकल तो टीवी का ज़माना है, टीवी से देख लेते, मोबाइल से देख लेते। तो ये बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी गोपिया वाला गाने पर। तो देखो कितनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी सी। तो ये सब बच्चों के साथ ही मेरा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय जाता है, क्योंकि मैं स्कूल पे काम करती हूँ छोटे बच्चों के साथ, तो इनके साथ मेरी अच्छी सी बॉन्डिंग है। और ये है ईशानी, इसका एज लाइक 3.5-4 है। तो ये स्पाइडर वाली ड्रेस पहन कर आई थी, तो बहुत ही क्यूट लग रही थी। और फिर वो अपनी मम्मा को देखकर उसने वो स्पाइडर वाली ड्रेस भी खोल के उधर उधर भाग गई। फिर बच्चों का क्या होता है ना, एक दूसरे को देखकर मतलब वो भी डांस करने आते। तो ये जो पिंक फ्रॉक वाली है, ये लाइक 4 ईयर्स की होगी। तो ये मतलब वो दीदी डांस करती है, उसको भी करने का मन किया। तो और आजकल तो बच्चे लोग मतलब मोबाइल वोबाइल पर देख ही लेते हैं बिजली बरसा सावन का पानी, तो इसमें वो दोनों डांस कर रहे थे। तो छोटे बच्चों का ऐसा होता है कि उनके बड़े जो डांस करते हैं उनको भी फिर वही देख के डांस करने का मन होता है। तो फिर ऐसे इन लोग को मतलब कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब बच्चे मतलब कि बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे हैं। और मैं इनके साथ ज़्यादा समय मतलब अपना स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मेरा समय इनके साथ ही ज़्यादा रहता है। सुबह मैं स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से मैं 2 बजे के बाद आती हूँ, तो सुबह का टाइम मेरा बच्चों के साथ जाता है। तो ये सब मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। ये है श्रियान, ये मॉडलिंग कर रही थी, इसकी ड्रेस देख के तो मैं शॉक्ड हो गई। रियली इतनी सुंदर ड्रेस पहन के आई थी। और ये बहुत स्मार्ट भी है अपनी क्लास में, लाइक मींस इसका भी एज 4 या 4.5 होगा, ऐसा 5 होगा। श्रियान बहुत ही स्मार्ट है, आजकल के बच्चे रियली इतने स्मार्ट है ना। तो इसकी ड्रेस बहुत ही सुंदर थी, तो शायद इसकी मम्मी ने खुद से मतलब डिज़ाइन किया हुआ है ड्रेस इसका। तो ये अच्छे से मॉडलिंग भी कर रही थी। और फिर यही एक और छोटी सी बच्ची, इसका 3 ईयर्स होगा, तो ये भी मतलब उन दोनों को देखकर ये भी डांस करने के लिए आ गई थी। बिजली बरसा सावन का पानी, ये मतलब कि अभी इन लोग जो स्कूल में इन लोग एडमिशन लिए हैं, तो इनका अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ है स्कूल में। तो वो एक दूसरे को देखकर ना मतलब कि ऐसा कुछ भी डांस वांस करने का इनका मन करता है। फिर ये शर्मिष्ठा है, ये तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा डांस करती है ये भी। तो मतलब थोड़ी सी इन लोग ना शाई करते हैं शुरू शुरू में, फिर बाद में ना एक दूसरे को देख कर तो फिर सब भूल जाते, फिर अपने मतलब जोश में आके डांस वांस कर लेते। ये बच्चे का ऐसा नहीं है कि मम्मी लोग सिखाते, ये सब बच्चे ना बहुत ही टैलेंटेड और अपने मोबाइल या फ़ोन से देख कर डांस वांस सीखते। और मैं भी इनके साथ सीख लेती हूँ। तो ये है ईशानी, बहुत ही क्यूट सी है, मेरी फेवरेट है, ये MKG की है। तो बहुत क्यूट है और बहुत ही इनोसेंट है, छोटे बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं, उनको आप ना जैसा बोलोगे ना फिर वो ऐसे ही करते। तो मतलब मुझे इनके साथ रह के और मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब कि छोटे बच्चों के साथ जो जॉब करते हैं ना, हम लोग खुद भी ऐसे छोटे बच्चों के जैसे ही बन जाते हैं। और मतलब कि कुछ मतलब इधर उधर का नहीं है, जो ऑफिस के जॉब अलग होते हैं और स्कूल के जो छोटे बच्चों के जॉब बहुत ही अलग होते हैं। तो इनके साथ बहुत लाइक मींस कि हम ही इन लोग की मम्मी है, आधा तो वक्त ऐसे ही चला जाता बच्चों के साथ ही। इनकी मतलब फीलिंग्स को समझना, इमोशन को समझना एक टीचर्स का मतलब बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो मैं अच्छे से निभाती हूँ। और बाकी सारे स्कूल के बच्चे ऐसे मेरे साथ थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा मतलब चिल्ड्रंस डे स्पेशल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और ये छोटे छोटे बच्चों को ब्लेसिंग्स दीजिए कि मतलब ये बड़े होके ना बहुत ही काबिल बने। और मेरा तो हमेशा इनके साथ ही ज़्यादा समय जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो में मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं ये बच्चों के साथ बहुत ही प्यार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल माय डियर्स। ओके, लव यू, बाय बाय।